हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स 1 टू 6 मार्क्ड ऑन देम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। सो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि कितने चांसेस हैं कि जो रिजल्ट हम चाहते हैं हमारे पास वही रिजल्ट आए। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक कॉइन की। सो अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करोगे तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास टोटल दो ही टाइप की आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, या तो हेड्स आ जाएगा या फिर टेल्स आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई, 2, जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हो। सो अगर आपने कॉइन को टॉस करते टाइम हेड्स चूज किया है तो अगर तो हेड्स आएगा तो वो आपके फेवर की आउटकम हो गई, अगर टेल्स आएगा तो आपके फेवर की आउटकम नहीं हुई। तो यहां पर आपके फेवर की कितनी आउटकम्स हो गई, 1। सो अगर हेड्स आएगा तो ये है आपके फेवर की आउटकम, अगर टेल्स आएगा तो वो आपके फेवर की आउटकम नहीं है। टोटल कितनी आउटकम्स है यहां पर, 2, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। सो प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहां पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे कि हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमारे लिए फेवरेबल आउटकम यहां पर क्या थी, हेड्स की। सो यहां पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ उस इवेंट का नेम, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल पी के साथ भी डिनोट कर देते हैं, साथ में हम लिख देंगे इवेंट का नेम। जैसे यहां पर हम हेड्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं लिख दूंगी प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एच, आप हेड्स भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 2। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं एंड मार्बल्स के ऊपर नंबर्स मार्क्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। अगर आप इस बॉक्स के 6 मार्बल्स में से एक मार्बल ड्रॉ करते हो तो क्या चांसेस हैं कि आप 5 नंबर वाला मार्बल ड्रॉ करोगे। सो यहां पर देखो, टोटल है 6 मार्बल्स, सभी मार्बल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मेंशनड हैं। सो अगर आप इन 6 मार्बल्स में से कोई एक मार्बल ड्रॉ करोगे तो टोटल आपके पास कितनी आउटकम्स होंगी, टोटल आउटकम्स होंगी 6, क्योंकि या तो आप 1 नंबर वाला मार्बल ड्रॉ करोगे या 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला या 5 नंबर वाला या फिर 6 नंबर वाला। सो टोटल आउटकम्स हो गई 6। अब अगर आपने 5 नंबर वाला मार्बल ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप 5 नंबर वाला मार्बल ड्रॉ करोगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही मार्बल है जिसके ऊपर 5 नंबर मेंशनड है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी, 6, क्योंकि हमारे पास टोटल है 6 मार्बल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू, अपेयरेंस ऑफ 5 भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। सो पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में इवेंट का नेम मेंशन कर दो। यहां पर इवेंट क्या है कि हमने 5 नंबर वाला मार्बल ड्रॉ करना है। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6, यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/6। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। सो क्या चांसेस हैं कि अगर हम इन 6 मार्बल्स में से एक मार्बल ड्रॉ करें तो वो मार्बल हो नंबर 2 वाला। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही रहेंगी 6, क्योंकि हमारे पास 6 मार्बल्स हैं। सो अगर हम इन 6 मार्बल्स में से कोई एक मार्बल ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो मार्बल 2 नंबर वाला होगा,
क्योंकि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही मार्बल है जिसके ऊपर टू नंबर मेंशनड है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरेंस ऑफ टू इज इक्वल टू 1/6. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.